आई डोंट हैव एनी एंगर और होस्टिलिटी टुवर्ड्स हिम। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जी न्यूज पर राहुल गांधी को लेकर गलत खबर चलाई गई। जी न्यूज ने राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर दिखा दिया। राहुल गांधी दरअसल अपने एक बयान में मीडिया को बाइट देते हुए क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आई मीन दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन, सो इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट गुड थिंग टू डू, बट देव एक्टेड इन अ इररिस्पॉन्सिबल वे। आई डोंट हैव एनी एंगर और होस्टिलिटी टुवर्ड्स देम। तो ये वो राहुल गांधी का बयान है कि जो मीडिया को राहुल गांधी ने दिया, लेकिन इस बयान को जी न्यूज ने किस तरह से चलाया, जी न्यूज ने इस बयान को दिखाया कि यह बयान राहुल गांधी ने उदयपुर में हुई घटना को लेकर दिया है। राहुल गांधी के इस बयान को जी न्यूज ने गलत तरीके से पेश किया, लेकिन उसके बाद हंगामा मच गया। पूरी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक जी न्यूज की इस खबर को लेकर गुस्से में आ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जी न्यूज के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जी न्यूज का जब प्राइम टाइम शो होने का वक्त आया, जब डीएनए प्रोग्राम रोहित रंजन ने किया, तो उस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर गलती मानी गई, माफी मांगी गई और राहुल गांधी की तारीफ भी की गई। ये भी सुनिए। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको मालूम है कि सुधीर चौधरी को जी न्यूज से निकाल दिया गया है और जी न्यूज से सुधीर चौधरी को निकालने के बाद अब डीएनए प्रोग्राम की सारी जिम्मेदारियां रोहित रंजन को सौंप दी गई हैं और उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम ऑन एयर कर भी दिया है। उसी पहले प्रोग्राम में राहुल गांधी की चली हुई इस गलत खबर को लेकर रोहित रंजन को जी न्यूज की तरफ से माफी मांगनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है राहुल गांधी की यह खबर चलाने को लेकर। यह किस लिए कहना पड़ा? यह इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जो लगातार बातें आ रही हैं सामने, और जैसे कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जी न्यूज पूरी तरह से भाजपा समर्थक है और तमाम नेशनल मीडिया चैनल्स पर यह इल्जाम लग रहा है इक्का दुक्का को छोड़ के, तो ऐसे में जी न्यूज को यह बात कहनी पड़ी कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है राहुल गांधी की यह खबर चलाने पर। लेकिन नीयत में कहां खोट है, किसकी खोट है, वो जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो राहुल गांधी की जब यह खबर जी न्यूज पर चलाई गई, उसके बाद बवाल मच गया और बवाल जब मचा तो जी न्यूज को माफी मांगनी पड़ी। यह एक तरह से और तमाम न्यूज चैनल्स के लिए एक सबक भी है कि तमाम खबरों को चलाने से पहले एक बार देख लिया जाए। राहुल गांधी की खबरें अक्सर ऐसा हो रहा है कि मीडिया या तो किसी प्रेशर में या गलती से, जाने या अनजाने में, कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम खबरों को चला रहा है, विपक्ष को कमजोर करने की, गलत साबित करने की, गलत दिखाने की जनता के सामने ये कोशिश लगातार जारी है। लेकिन अब उस कोशिश पर पानी फेरने के लिए जनता जाग चुकी है। जो कांग्रेस समर्थक हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो अब इस पूरे मामले में सतर्क हो गए हैं। प्रदर्शन का रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया है। जी न्यूज के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और मांग की कि इस खबर पर माफी मांगी जाए, तुरंत इस खबर पर माफी मांगी जाए। और वही हुआ कि प्राइम टाइम शो डीएनए में इस खबर को लेकर रोहित रंजन ने माफी मांगी बाकायदा तौर पर और अपनी नीयत को साफ भी बताया। यह भी कहा कि जी न्यूज का इसमें कोई फायदा नहीं है और हम ऐसे चैनल नहीं हैं जो इस तरह की खबर चलाएं, हम कोई पक्षपात नहीं करते। ये तमाम बातें कहनी ही पड़ गईं क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि जी न्यूज किस इशारे पर काम कर रहा है, किसके इशारे पर काम कर रहा है और क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्यों इस तरह से गलत खबरों को दिखाया जा रहा है और जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी कातिलों का साथ। हालांकि खबर पूरी तरह से झूठी निकली और इस पर माफी भी मांग ली गई है। तो अब सवाल यह है कि कैसे और कब तक मीडिया अपना यह रोल अदा करता रहेगा, कब अपनी जिम्मेदारी को समझा जाएगा और कब इस तरह की तमाम चीजों से बाहर आकर सोचा जाएगा और देश के लिए बात की जाएगी। अभी तक एक पार्टी की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है, उसी के विचारों को देश समझा जा रहा है।
विपक्ष को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश है। आप नुपुर शर्मा की मिसाल ले लीजिए। देविका कुमार ने जिस तरह से लाइव शो के दौरान नुपुर शर्मा को साफ साफ तौर पर उस चीज से नहीं रोका और सोने पे सुहागा उसको उकसाया, दूसरे जो पैनलिस्ट थे उनके सामने उसको बढ़ावा दिया और तमाम लोगों की आवाजें डाउन की जा रही थी, लेकिन नुपुर शर्मा की आवाज को बाकायदा तौर पर बढ़ाया गया। जब नुपुर शर्मा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही थी और वो लफ्ज कह रही थी जो उनको नहीं कहने चाहिए थे, जिसके बाद बवाल हो गया, हिंसा हो गई। और तो अब सवाल एंकर्स पर लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि कैसे किया जा रहा है। नविका कुमार अगर चाहती तो नुपुर शर्मा को रोक सकती थी। नुपुर शर्मा भावनाओं में बहे जा रही थी और नविका कुमार उनको उकसाए जा रही थी। ये दोनों की साजिश है जिसके तहत ये पूरा काम हुआ और अभी तक नविका कुमार की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या न्यूज चैनल अपनी पारदर्शिता को साबित करने में फेल हो रहे हैं? न्यूज चैनल ये बता नहीं पा रहे हैं कि हम किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं। हालांकि हर जगह गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं और न्यूज चैनल्स के नाम पर, मीडिया के नाम पर इनको सभी को एक तरह से धब्बा बताया जा रहा है, लेकिन अकल अभी भी नहीं आ रही है। तो अब देखना होगा कि जैसे जी न्यूज ने माफी मांगी है अपनी इस गलती पर, और तमाम चैनल्स जो हैं वो कब इसमें आगे आते हैं और अपनी अपनी की हुई गलतियों पर माफी मांगते हैं, खास तौर से वो चैनल जो स्पेशली एक नफरत का एजेंडा चलाते हैं और जिनके जरिए पूरे देश में नफरत का माहौल फैल रहा है।